दो रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। तो आपकी छतरी और गठरी दोनों बांधी जाए। अगर आप जनता को बाबा मान लोगे तो आप चुनाव जीत जाओगे। ये हमारा प्रत्येक राजनेता को और पूरे भारत में रहने वाले राजनेतज्ञों को यह आदेश रूप में है। धर्म से राजनीति चलती है पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। दो रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए पहले नंबर, तो दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे। राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है। यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो आप लौट करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो, तो आपकी छतरी और गठरी दोनों बांधी जाएंगे। हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा के मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटे पुनः वेदों की ओर, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाए। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां सब लोग प्राय बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें। अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। हम अक्सर नेताओं जब हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े छोटे सब आते ही हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाबाओं से चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओ। हम अक्सर बोलते हैं तो आप अगर बाबाओं से चुनाव जीतने का प्रण लेकर हमारे पास आए तो प्यारे बेटा खट्टा खा करके जाओगे। अगर आप जनता को बाबा मान लोगे तो आप चुनाव जीत जाओ। ये हमारा प्रत्येक राजनेता को और पूरे भारत में रहने वाले राजनेतज्ञों को यह आदेश रूप में है कि आप हमारे पास आओ, आप हमें बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सनातन का प्रचार करना है आपके माध्यम से। चाहे आप टेंट लगाओ, आप बुलाएंगे तो हमें आना पड़ेगा, आप बुला रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी बाबा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा कोशिश बारीकी से निचले स्तर पर होनी चाहिए। निचले स्तर पर अगर बारीकी से कोशिश हो जाए तो हमें लगता है भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रायः योजनाएं ऊपर से चलकर ऊपर तक ही सीमित रह जाएं, वो वास्तविक धरातल पर अगर उतर जाए तो ये देश निश्चित रूप से बहुत अग्रसरी है और बहुत आगे होगा। ऐसी हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना।